दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि पूरा नमी बना हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा गंगा का स्तर बढ़ा हुआ है और हम गंगा किनारे के रहने वाले हैं, इसके वजह से बाढ़ आया हुआ है। हालांकि बाड़ा हमने ऊंची जगह पे बनाया है, लेकिन जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बाड़े के चारों तरफ बिल्कुल पानी लगे हुए हैं और ऊपर से बारिश होने के वजह से नमी बना हुआ है। एक तो ज़मीन के नीचे का नमी और दूसरा लगातार बारिश, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसानों को। लेकिन अभी तक उतना कोई खास परेशानी का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। दिक्कत थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं जितने नए किसानों को हो सकता है। अब कहेंगे कि नए किसानों को हो सकता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बस इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि जो नए बकरी पालक हैं वो बरसात में बकरी पालन शुरू ना करें, बहुत तरह के समस्याओं का सामना उनको करना पड़ सकता है। और हम लोग चूँकि पुराने बकरी पालक हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जानकारी है, तो वो समस्या आने से पहले ही सावधान रहते हैं। ये वीडियो बनाने का सीधा मतलब ये है मेरे भाई कि आपका हेल्प करना चाहता हूँ कि यदि आप बकरी पालन करने के लिए सोच रहे हैं या वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं, तो पुराने हैं तब तो आपको पता है, लेकिन जो नए बकरी पालक हैं जो वीडियो किसी उम्मीद से देखते हैं कि मुझे कुछ नया बताया जाएगा, उनके लिए ये वीडियो है कि यदि आप बकरी पालन शुरू करने का प्लान किए हुए हैं तो बरसात में तो बिल्कुल ना करें, और यदि कर दिए हैं शुरू तो क्या क्या करने हैं जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। नमी बकरियों का बहुत बड़ा दुश्मन है और एक भी बकरी को अभी आप देख नहीं रहे होंगे कि सर्दी जुकाम कहीं से भी नहीं है। इसके पीछे कारण है कि बकरियां वैक्सीनेटेड है, और मैंने कोई जादू नहीं किया है, बस आपका भाई वही करता है जो ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ। यानी मैं भी कहीं ना कहीं से ट्रेंड होकर पढ़ के ही यहाँ तक आया हूँ और अपने गुरुओं का आदेश अपने सर मत्थे पर रखता हूँ और एक एक चीज़ का फॉलो करता हूँ जो आपको करने चाहिए। बहुत लोग को मैंने ट्रेनिंग दिया, लेकिन सब लोग काम नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि जो बिल्कुल ऐसा विषय जो भूलना ही नहीं चाहिए, उसके लिए भी पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ इस जगह पर, मैं क्या करूँ। अब बताइए, अगर मास्टर पढ़ा दिया आपको उतना तो याद रखना चाहिए, जबकि मैं प्रयास करता हूँ कि इस तरीका से लोग को ट्रेनिंग दूँ कि बिल्कुल दिल में बातें आ जाएँ, और प्रैक्टिकल बिल्कुल ट्रेनिंग देने का प्रयास करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो एक एक चीज़ों को करके मैं दिखाता हूँ, और एक एक वो बारीकियों को जो बाकी लोग छुपाते हैं मैं सामने ले आता हूँ कि नहीं भाई, अगर आप करते हैं तो इस तरीका से करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो बकरी पालन आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाड़ा आप इस डायरेक्शन में इस तरीका से बनाएं जिसमें बकरियों के लिए एक ऐसा एरिया बना हो जहां वो रात में बिल्कुल ऐसी जगह पर रह पाएं जहां नमी ना हो। तो बाड़ा को मैंने तीन डायरेक्शन में बनाया है, क्योंकि अगर लगातार बारिश हो रहा हो तो मैं बकरियों को बाहर रख नहीं सकता, अंदर ही रखना होगा। तो देखिए, मैंने बीच का एरिया एक अलग बनाया है। अभी आप बाहर का एरिया देखें और ये बीच का एरिया आप देख पा रहे होंगे, जहाँ मैंने बिल्कुल सफाई कर दिया है और चूना पाउडर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मैंने दिया है, क्योंकि लगातार इधर बारिश होने की वजह से ज़्यादा समय बकरियों को अंदर ही रखना होता है तो बकरियां पेशाब करती है, तो सफाई करने के बाद उसमें चूना पाउडर दे दिया जाता है प्रतिदिन, ताकि नमी मुक्त हो जाए और बहुत सारे बैक्टीरिया जो पनपने वाले हैं उनका खात्मा हो जाए। तो एक तो ये हो गया, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा हो, जैसे अभी बारिश रुका हुआ है तो मैंने बकरियों को बाहर निकाला है, उधर छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे उनको भी मैंने बाहर निकाला है, और जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मैंने अंदर ही रखा है केज के ऊपर, ताकि वो नमी से बचे रहें। तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रहा हो और लगातार इसी में ही रखना हो तो बहुत ज़्यादा नमी बन जाएगा और हम बाहर निकाल नहीं सकते, है ना। तो एक एरिया मैंने अंदर का बनाया है, और देखिए एक एरिया बिल्कुल सुरक्षित है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें नमी बन जाए तो हम इस बकरियों को हम इसमें अंदर कर दें। तो अगर इस तरीका से बाड़ा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी बाड़े के अंदर मौसम खराब रहने पे आप बकरियों को रख सकते हैं। तो बाड़ा का स्ट्रक्चर कभी भी आप बनाते हैं तो तीन भाग में जरूर बनाएं, प्रयास करें, क्योंकि अगर बाड़ा सुरक्षित नहीं है तो वो भाई जो भी बकरी पालन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। ये बीच का एरिया और ये अंदर का एरिया और बाहर का एरिया, और देखिए बाहर में मैंने जो करकट दिया है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है मेरे भाई। ये बीच में मैंने तिरपाल दिया था, लेकिन लगातार बारिश होने के बाद तिरपाल जहां तहां से चूहे काट भी देते हैं, जिसके वजह से पानी बीच में आता है, तो मैंने करकट दिया और करकट का लंबाई इतना रखा कि देखिए बाहर कम से कम यहां से बाहर कम से कम 4 फीट निकला हुआ है, जिसके वजह से ये होता है कि अगर बारिश भी हो रहा है तो बकरियां बाहर रह के खा लेती है, यानी
बहुत ज्यादा बारिश होगा तो मुझे अंदर करना होगा, हल्का फल्का बारिश में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बकरियां इसमें मुंह लगाकर खा लेगी और बाहर चूंकि पानी वहां टपकेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हवा का ज्यादा दबाव है, प्रेशर ज्यादा है और पानी बिल्कुल कुछ अंदर तक आ रहा है जहां बकरियां गीली हो सकती है, भींग सकती है, तो फिर मैं बीच में कर देता हूं और बीच में ही इसको खिलाता हूं। और मैंने इस तरीका से स्ट्रक्चर बनाया है कि इधर से भी जाकर बकरियां इसी टब में खा लेती है और टब के ऊपर चढ़ न जाए क्योंकि बकरियां बहुत शैतान होती है, इसके लिए मैंने ये एंगल लगा दिया है। तो ये दो भाग हो गया और जब इसमें भी लगातार अगर बकरियां रहेगी तो नमी बनेगा तो फिर रात में हम अंदर के एरिया में बकरियों को कर देंगे। तो अगर इस तरीका से बनाते हैं तो आप सुरक्षित बकरी पालन कर पाते हैं क्योंकि एक दिन का काम ये नहीं है। तो धीरे धीरे ही मैं भी बहुत कम से शुरुआत किया, बकरियों का संख्या कम और जगह बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें मैं एक तो पढ़ के आया था, दूसरा वक्त बहुत कुछ सिखाता है और वो सीखते गया और मैं करते गया, वक्त के अनुसार जैसा मैं सीखा वैसा करते चला गया। क्योंकि जब मुसीबत आता है तो उसके रास्ते निकालना ही समझदारी है। और जो आप नमी देख रहे हैं इसे बकरियों को बचाने के लिए बिल्कुल चूना पाउडर का एक तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट से प्रत्येक 10 दिन में इसका पैरों को डुबा रहा हूँ पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घोलकर, और मुंह आंख नाक भी इसको पोंछ दे रहा हूँ ताकि FMD रोग, मऊहा रोग, खूंढ़ा रोग इत्यादि ना हो। हालांकि इन सभी रोगों से बचने के लिए हमने वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीन इनको लगा के रखा है। यदि आप वैक्सीन लगा भी चुके हैं तो भी सफाई में और उनके बचाव में कमी कहीं से ना करें। और ये मुसीबत का घड़ी है और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग इसी तरीका से करें। सूखा चारा का मैंने स्टॉक करके रखा है, सूखा चारा का भरपूर स्टॉक करके रखा है। मैं जानता हूं कि ये मौसम आएगा क्योंकि आना ही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस बार लास्ट में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आया। लेकिन मैंने तैयारी करके रखा था कि मैं साइलेज भी बना के रखा जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं, सूखा चारा मैं भरपूर रूप से स्टॉक करके रखा हूं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं, और हरा चारा भरपूर रूप में मैंने लगा के रखा है। लेकिन हरे चारे के खेत में पानी लगे हुए हैं तो उसमें से मैं ला नहीं सकता। सूखा चारा का जो मैंने स्टॉक किया है वो मेरा काम आ रहा है और जो हमने साइलेज बना के रखा है वो काम आ रहा है। तो इस तरीका से मुसीबत के घड़ी से निकलना ही बहादुरी है और हर एक चीज बारीकी से समझना होता है। बकरी पालन में जो इंसान कर रहा है, मैं रहूं या कोई भी किसान है जो कर रहे हैं, वही आपको बेहतर समझा सकते हैं। बकरी पालन में आपको सफल होने के लिए बिल्कुल वो किसान से मिलना होगा जो किसान बकरी पालन वर्तमान में कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, किसी भी परेशानी से घबरा कर वो वापस नहीं हुए, यानी उन्होंने परेशानियों का सामना किया। अगर उसे किसान से आप बकरी पालन का ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, चाहे वो पैसे लेके आपको सिखाते हों या फ्री सिखाते हों, मैंने तो ऑफलाइन ट्रेनिंग लगभग फ्री कर दिया है ताकि मैं भी समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे किसान पैसे के अभाव में कहीं गलत जगह से ट्रेनिंग ले लेते हैं या फिर वो ट्रेनिंग लेते ही नहीं है क्योंकि बेचारे के पास पैसे होते नहीं है। तो बहुत ही कम फीस में, यानी कि ना के बराबर जितना में कहीं घूमने जाते हैं उतना ही खर्च में, आप बकरी पालन का ट्रेनिंग मेरे पास आके भी ले सकते हैं या फिर कोई और दिल में आपके हैं वहां भी जाके सीखे, लेकिन सीखे जरूर। लेकिन एक सफल बकरी पालक जो बहुत दिन से कर रहे हैं और हर मुसीबतों का सामना करके हर समय का वीडियो आपको दिखाए, यानी किसी तरीका से विजुअल आपके सामने है, आप उन्हें देख रहे हैं, तो जरूर आप उनसे जुड़े और बकरी पालन का ट्रेनिंग उनसे ले। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक अनुभव कि वो किस तरीका से समस्याओं का सामना किए, किस तरीका से यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसको आपने बिल्कुल सामने से उनका देखा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आप जुड़ के सीखते हैं तो बकरी पालन में आप फेल हो नहीं सकते। देखिए, जैसा कि मैं बोला था कि सूखा चारा का मैं स्टॉक करके रखता हूँ। सूखा चारा शायद अंधेरे की वजह से आप उतना ना देख पाए, हाँ दिख जाएगा कुछ। देखिए, ये सूखा चारा का स्टॉक है जिसमें हमने दलहनी फसलों के सूखे चारे जमा किए हैं, स्टोर करके रखे हैं, और इतना स्टॉक है कि ये खत्म अभी होने वाला नहीं है। और इधर गेहूं का भी चारा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ अभी लाइट कटा हुआ है इसके वजह से अंधेरा है। और ये अपना भाई, अपना साथी, हर कोई साथ छोड़ दे लेकिन ये मेरा भाई हमेशा मेरे साथ अवेलेबल है, और इसके रहने से एक हिम्मत मिलता है मुझे क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे पास होता है तो एक हिम्मत होता है कि चलिए कोई तो बाड़े में मेरे साथ है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ये लास्ट समय तक अंतिम सांस तक ये साथ देने वाला है। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद बहुत। तो एक ऐसा साथी भी आप जरूर रखें, एक ऐसा साथी भी आपके पास होने चाहिए जो कि आपको मन लगाता रहे और साथ ही आपका सुरक्षा दे। बस ये वीडियो इसलिए अपडेट मैं कर रहा था कि अगर
बाड़ा अगर ढंग से बनाए हुए हों तो लगातार मौसम खराब है तो भी आप उसका सामना कर पाएंगे। और सीख के करें, जान के करें मेरे भाई, जो आप सोचते हैं कि करते करते सीख जाएंगे, तो ये आप इसका हालात अभी नहीं जान रहे हैं। करते करते सीखने वाले बहुत लोग बहुत सारे नुकसान का सामना करके वापस हो चुके, और थोड़ा सा खर्च करके या जैसे भी हो अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये जरूर समझ पाते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीका से क्या करने चाहिए। क्योंकि YouTube पे मैं भी हूँ, मैंने 750 वीडियो से ऊपर अपलोड किया है, यानी 750 वीडियो से ऊपर अपलोड किया है, लेकिन सब वीडियो तो आप देखे नहीं होंगे। इस तरीका से हर विशेषज्ञ प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा बता पाए, जितना वो बता सकता है, लेकिन सब लोग सभी चीजों को देख नहीं पाते, और उनका शिकायत रहता है कि आप बताते नहीं है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो मेरा या किन्हीं और का सारा वीडियो देखने के बाद एक कमेंट करता हो कि भाई आप नहीं बताए। मैं कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो जितना मैंने डाला है, जब से मैंने जर्नी का शुरुआत किया, मैंने सबका वीडियो बना के डाला है, 750 वीडियो से ऊपर मेरा अपलोड है, तो अगर वो देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग ना भी लेते हैं तो एक सहारा मिलेगा, आप कर पाएंगे निश्चिंत होकर। बहुत सारे समस्याओं का समाधान करके उसमें बताया गया है, और जो भी मैं बताता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बकरियों का संख्या मेरे पास भी बहुत ज़्यादा था पहले, लेकिन मैंने ब्रीड चेंज किया है, तो ब्रीड चेंज किया है यानी कि मैं अब इस ब्रीड पे काम करूंगा। तो धीरे 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 करके मैंने इसी का प्रजनन करा के कुछ अच्छे ब्रीड और कुछ मिक्स, है ना, इसे करके मैं संख्या बढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले का जो भी ब्रीड था उसको मैंने हटाया, और सभी नए जो शुरुआत करते हैं वो देसी बकरी से या जो बकरियाँ बिल्कुल सेठ है बाड़े में उसी से शुरुआत करते हैं, तो इक्का दुक्का करके वैसे लोग ही ले गए। और अभी भी मेरे पास कुछ हैं और इन्हें मैं अभी रखूंगा, लेकिन मुझे ब्रीड चेंज करने थे, यानी दूसरा ब्रीड पे करना था, तो मैंने उसको हटाया क्योंकि बकरियां सेट थी और अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी आगे अगर दूसरा ब्रीड पे करना है तो उनमें से हटाना पड़ेगा, कुछ संख्या कमेगा तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी बिजी पर्सन हूँ, बहुत सारे काम करने होते हैं और उसके साथ साथ बकरी पालन करने होते हैं। तो दोस्त जुड़ के रहें, कोई विशेषज्ञ का सहारा जरूर होने चाहिए, तभी बकरी पालन में सफलता है, अन्यथा बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम लोग की बातें बहुत लोगों को खराब कड़वा लगता है, उन्हें लगता है कि भाई करते करते क्या हम नहीं सीख लेंगे, हम तो इतना वीडियो देख लिए कि करते करते सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अकेलौते नहीं है जो ऐसे बोलने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे बोलने वाले हैं, लेकिन करने के बाद कुछ ऐसा समस्या आता है जिसका सामना आपको करना होता है, और अगर ट्रेंड है तो समस्या आता ही नहीं है, क्योंकि समस्या आने से पहले इस बात की आपको जानकारी होती है। समस्या जो आने वाला है वो पहले से ही आपको ज्ञात होता है कि समस्या आने वाला है, और उसका आप समाधान समस्या आने से पहले ही कर चुके होते हैं, और वो समस्या नहीं आता। ट्रेनिंग का मतलब यही है, करते करते भी आप सीख पाएंगे, लेकिन समस्या आने के बाद, नुकसान झेलने के बाद, लेकिन अगर आप पहले सीख लेते हैं तो समस्या आएगा ही नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल बना हुआ हूँ आपके साथ, मौसम चाहे जैसा भी खराब है या रहे अच्छा रहे, जैसा भी मेरे साथ बीतेगा मैं आप लोग के बीच में हूँ, ताकि आप लोग को एक हिम्मत बने, और आप भी अगर इससे कुछ सीख पाएं तो जो भी आपका डाटा खर्च हो रहा है उसका सही उपयोग हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।